हाँ जी बच्चों, उम्मीद करती हाँ कि तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। आज मैं तुहानू एक स्टोरी सुनाउन जा रही हाँ जिसका नाम है द प्रिंसेस ऑफ फायर। एक वारी दी गल है कि बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी अपने पैलेस विच अपनी माँ दे नाल रहिंदी सी। सारी प्रजा राजकुमारी नू बहुत ही प्यार करदी सी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी मां नू कहा कि वो इस तरह दे इंसान नाल व्याह कराएगी जिहड़ा उसनू बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट देवेगा, ते नाल ही ए भी कहा कि उसका गिफ्ट बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड ते सिंसियर होना चाहिए है। वो उदां दे व्यक्ति नाल ही सिर्फ व्याह करेगी। राजकुमारी दी मां ने सारे राज विच अनाउंसमेंट करा दित्ती कि इस तरह दा इंसान जिहड़ा होएगा उसकी बेटी उसके नाल व्याह करेगी। अगले ही दिन महल विच महंगे महंगे तोहफे ते फुल्लां दी तां जिवें बरसात ही हो गई होवे। सारा महल सुंदर फुल्लां नाल भर दित्ता गया। बहुत ही चिट्ठियां दे ढेर लग गए जिस विच हर एक ने अपने प्यार भरिया कवितावां लिखियां होईयां सी। इन्हां सारे तोहफ्यां विच उन्हां दे विच उसनूं इक अजिहा तोहफा लभिया जो कि बहुत ही हैरानी करन वाला सी। एक बहुत ही गंदा जिहा पत्थर सी राजकुमारी नूं इह एक गिफ्ट दे तौर ते मिलिया। उसनूं इह नहीं सी पता कि ओह इह गिफ्ट किसने दित्ता है। राजकुमारी बहुत ही उतावली हो रही सी कि ओह इस तोहफे नूं भेजण वाले नूं देखे। ओह देखना चाहुंदी सी कि हरकत उसदे नाल कौन कर सकदा है। राजकुमारी ने अपने सैना नूं भेज के उस आदमी नूं महल विच बुला लिया। ओह बहुत ही हैरान हुई है देख के कि ओह आदमी बहुत ही छोटी उम्र दा सी। राजकुमारी ने उसनु पूछया कि वो अपने तोहफे नु एक्सप्लेन करे कि इस पत्थर दे तोहफे दा की मतलब है। उसने ए व्यक्ति नु इस तरह पूछया कि एदा मतलब उनु समझावे कि एहे उसने केड़ी सोच नाल राजकुमारी नु ए गिफ्ट दिता है। उस व्यक्ति ने कुछ इस तरह कहा, मेरी प्यारी राजकुमारी जी, ए पत्थर बहुत ही महंगा तोहफा है ते ए है उसदा अपना दिल। ये बहुत ही सिंसियर है क्योंकि अजे भी यह तुहाडा तोहफा नहीं है, क्योंकि पत्थर दा तोहफा सिर्फ पत्थर ही लग रहा है, पर जदों इस नु प्यार मिलिया तां ये तोहफा एक बहुत ही सॉफ्ट ते टेंडर तोहफा बन जाएगा। जिवें कि तुहानूं बाकियां ने बहुत सारे गिफ्ट दित्ते हन, उसे तरह दा ये भी गिफ्ट बन जाएगा। ये सब कुछ कह के वो आदमी उत्थों चुपचाप चला गया। राजकुमारी अजे भी कुछ समझ नहीं सकी कि उसका मतलब की सी इस पत्थर दे तोहफे नूं देन दा। जदों वो आदमी महल विचों बाहर चला गया तां राजकुमारी ने उस पत्थर नूं देखिया। उस नूं उस पत्थर नाल प्यार हो गया। वो उस पत्थर नूं हर वेले अपने नाल रखदी, जिथे भी वो जांदी उथे नाल लैके जांदी। एक दिन वो बहुत उदास सी ते सोच रही सी इस पत्थर ने उस लई कदों सॉफ्ट पत्थर बनना है। सोचदी सोचदी नूं उसनूं बहुत गुस्सा आया ते उसने पत्थर नूं बलदी अग विच जोर दी सुट दिता। उस अग ने उस पत्थर नूं पिघला के ओहदे विचों एक सुनहरी मूर्ति कढ ली। इस नूं देख के तां राजकुमारी नूं बहुत ही खुशी हुई कि ये उस पत्थर तों इन्नी सोहनी गोल्डन रंग दी मूर्ति निकल आई है। राजकुमारी नूं हुण समझ लग गई कि उस नूं इस तरह एक अग वांगू बन के जीना चाहिदा है। उस नूं ए देखना चाहिदा है कि केड़ी चीज नूं किस तरह रखनी है। उस तों बाद राजकुमारी ने अपने महंगे महंगे शौक ते गहने नूं एक पासे कर दिता ते अपने प्रजा दे लोकां लई जिंदगी जीउणी बहुत सौखी कर दित्ती। उहनां नूं पेट भर के रोटी ते किताबां पढ़न नूं दिंदी सी। लोकां नूं राजकुमारी विच बहुत ही बदलाव दिसिया जिहड़ा कि बहुत ही चंगा सी। उन्हां ने राजकुमारी दा नाम भी प्रिंसेस ऑफ फायर रख दिता। सो इस राजकुमारी दी फायर वर्गी प्रेजेंस ने उस व्यक्ति दा सख्त दिल भी जीत लिया और उसने अपने वादे अनुसार उस पत्थर दे तोहफे नूं देण वाले नाल प्यार कर लिया ते वो दोनों खुशी खुशी रहन लगे। सो बच्चियो, ट्रू लव, डिवोशन ते पैशन किसी भी चीज लई इन्नी कु ताकत रखता है कि वो किसी भी चीज नूं बदल सकता है और ये साडे अपने दिल विच ही हुंदा है। सिर्फ लोड़ है तां इहनूं समझण दी। चलो फिर जल्दी ही फिर शब्दां दी सांझ पावांगे।